आपको पढ़ा क्या रहा है बाबू? है ना, मैग्नेट के इफेक्ट पढ़ा रहे, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा रहे। तो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा रहे बाबू, है ना। तो आपको बताएं बाबू, है ना, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा रहे बाबू। तो आपको क्या, हमको सबसे पहले क्या बताया कि बाबू मान लो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर तो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना। अब मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो कोई भी करंट कैरिंग करंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो चारों तरफ क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या बताया बाबू कि कोई भी करंट करे, जब स्टेट वायर में करंट फ्लो हो रहा है, मान लो स्टेट वायर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कैसा बनेगा, नहीं बने, है ना, उसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। फिर वायर को क्या किया बाबू, है ना, क्या किया वायर बाबू, वायर को हमने रोटेट क्या था, ये क्या सर्कुलर रिंग में बताया, फिर सोलेनोइड के बारे में बताया। अब आगे क्या बाबू कि बाबू कोई भी करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ऊपर ऊपर क्या देख ला बाबू, उस पर फोर्स लगेगा, है ना। क्यों सर? क्योंकि बाबू कोई भी करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो करंट कैरिंग वायर मेरा क्या करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो एगो करेंट के कारण मैग्नेट बन गया, एगो क्या होगा, ये चुंबक के कारण मैग्नेट बन रहेगा, है ना। तो दो को मैग्नेटिक फील्ड होगा, एगो तो बाबू कोई भी करेंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे, मैग्नेटिक फील्ड मतलब कहने का मतलब क्या होगा सर, मान लो ये करेंट कैरिंग वायर है, ठीक है, तो जैसे ये करेंट कैरिंग वायर है तो ये तो अपने चारों ओर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब इसको क्या रख दो, ये मैग्नेट के एरिया में रख दो, तो ये आपका क्या हो गया, हॉर्स मैग्नेट हो गया, ये क्या हो गया, हॉर्स मैग्नेट हो गया, है ना। इसको इसमें रख दिया, है ना, तो बाबू ये इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इस पे क्या लगेगा, ई पेन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, है ना। वही फोर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो इसमें आपको पढ़ना बाबू फोर्स लगेगा तो उसका डायरेक्शन किधर होगा ना, मतलब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो कल आपको लिखा था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, आपको बनाने आ जाना चाहिए, नहीं तो ढूंढ देंगे, ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है, फोर्स लगेगा तो कितना फोर्स लगेगा, तो उसका फॉर्मूला याद रखना, जो फोर्स होता है वो एफ बराबर BIL sin θ होता है ना, बताते क्या नहीं, है ना। इस करेंट कैरिंग कंडक्टर है बाबू, इस पर जो फोर्स लगेगा कितना मैग्नीट्यूड का लगेगा, BIL sin θ याद रखना, है ना, दिल बिल याद रखना, बिल साइन थीटा, है ना, बिल साइन थीटा, है ना, ठीक। मतलब क्या बाबू, लव बाबू कल बोला, है ना, कल बोला था ना बाबू, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ये मैग्नेटिक फोर्स है बाबू, है ना, जो फोर्स है बोला वो लेंथ पे भी डिपेंड करता है ना। दिमाग से ये डिलीट कर देना पुराना वाला कंसेप्ट, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वही यहाँ पे लिखा हुआ कि बाबू देखो क्या लिखा हुआ है, कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड बाबू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या पहले क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मतलब इसमें जितना ज्यादा करंट फ्लो कराएगा वायर में, कैसे ज्यादा करंट फ्लो होगा बाबू, करंट मेरा ज्यादा कैसे फ्लो होगा, कोने को भागा जी, ईसा, धर्मवीर, चलो संजना, निक्कू, ज्योति, वही कम, इसमें जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, उतना ज्यादा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, है ना। तो ये होता है मतलब ए प्रोपोर्शनल क्या होगा, करंट होगा। दूसरा क्या होता है बाबू, जो ये बाबू आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब क्या होता है, ये हॉर्स शू मैग्नेट, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट रखोगे, है ना, तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, उतना ही ज्यादा लगेगा, उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो दूसरा हो गया, दूसरा पैरामीटर हो गया। तीसरा मेरा क्या करता है, जो मैग्नेटिक फोर्स है ना बाबू, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना कंडक्टर का लेंथ है ना, जितना ज्यादा कंडक्टर का लेंथ लगेगा उतना ज्यादा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, है ना। तो ये प्रोपोर्शनल क्या हो गया, एल हो गया, ये प्रोपोर्शनल क्या हो गया, एल हो गया। चौथा क्या कहता है बाबू, जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू द बाबू, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच का एंगल होता है ना, दोनों के बीच के एंगल पर डिपेंड करता है, बताते कैसे, इसको दिखाना पड़ेगा, है ना। तो चौथा पैरामीटर क्या होता है, उसके साइन एंगल पर डिपेंड करे, है ना। तो इस सारों को कंबाइन करोगे बाबू तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, BIL sin θ, मतलब इतना फोर्स लगता है, एफ बराबर BIL sin θ, जहाँ बी बाय मेरा क्या मैग्नेटिक फील्ड है, आई मेरा करंट है, एल मेरा लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और sin θ क्या एंगल है, इसके बीच सर मैग्नेटिक फील्ड और क्या है ना बाबू कंडक्टर के बीच में, है ना, एंगल ऑफ करंट ऑफ कंडक्टर या लेंथ ऑफ कंडक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वही यह क्या, ये थीटा है, sin θ, है ना। तो इतना फोर्स होता है। अब फोर्स का वैल्यू बाबू मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम या जीरो कब होगा, थीटा की वैल्यू sin 90 पे मैक्सिमम होता है, थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे, sin θ बराबर sin 90 बराबर कितना होता है, 1 होता है ना जी, बताए थे ट्रिगोनोमेट्री में। तो जब थीटा की वैल्यू 90 रख दोगे बाबू, थीटा की वैल्यू 90 रख दोगे तो उस केस में फोर्स आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, उसकी वैल्यू कितना होगा, थीटा 90 पर 1 हो जाता है, बराबर कितना, BIL sin θ, मतलब थीटा 90 कहने का मतलब क्या सर, मैग्नेटिक फील्ड और जो बाबू करेंट कैरिंग कंडक्टर है उसके बीच कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए ना। तो उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। और थीटा बराबर 0 डिग्री धर देंगे बाबू तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो थीटा 0 पे क्या होता है, वैल्यू 0 होता है, थीटा 0 पे साइन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है।
थीटा की वैल्यू 0 पे, साइन का वैल्यू, साइन 0 कितना, 0 हो जाएगा, तो उस केस में फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। कब सर, जब बाबू करंट का डायरेक्शन, अब मैग्नेटिक ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल रहेगा तो 0 हो जाएगा, 90 डिग्री रहेगा तो मैक्सिमम होगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है ना। अभी इसी को समझना, समझो जितना बोले उसी को आप समझना। जैसे मान लो ये हॉर्सू मैग्नेट है, क्या हॉर्सू मैग्नेट है, तो ये रेड वाला समझो नॉर्थ पोल है, ऊपर वाला क्या साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको बाबू कल बताए थे फ्लेमिंग का, हमको क्या लेफ्ट हैंड रूल है ना, लेफ्ट हैंड रूल उसी को यूज करना। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ऊपर होगा, नीचे से ऊपर की ओर होगा, ठीक, समझते चलना, मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की ओर होगा है ना। नेक्स्ट बाबू, मान लो बाबू ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, आपके साइड में पिन ये दिखाई दे रहा, कलम का टिप दिखाई दे रहा, मतलब इधर आपके साइड में करंट आ रहा है ना, करंट आपके साइड में आ रहा है, फील्ड ऊपर है। अब इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, फ्लेमिंग क्या करो लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, अब देखो ये कंडक्टर किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा कि इधर मूव करेगा, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगाएगा। अब मेरे पास तो हम लेफ्ट हैंड से पकड़ लें बाबू है ना, देखो लेफ्ट हैंड लगाएगा, तो ये आपको बताया था बाबू हमेशा याद रखना, ये वाला फिंगर क्या देगा, फील्ड के डायरेक्शन में इसको रखेंगे, ये वाला जो बाबू आपका बाबू है ना, ये जो फिंगर है इसको कौन सा फिंगर कहते हो जी इनवन, ये कौन फिंगर है बाबू, उधर का देख रहा है जी, ये कौन फिंगर है जी, शैतान इसको फिंगरों नहीं पता है, निको क्या सूत्र आ जाए, निको नो सर, इसको कौन सा फिंगर कहते हैं, फोर फिंगर इसको कहेंगे, ठीक। आइए आपका हो गया मिडिल फिंगर, ठीक, तो फोर फिंगर को किधर रखना है, फील्ड के डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, तो अंगूठा अपने आप का डायरेक्शन ऑफ फोर्स दे देगा, ये फिक्स है बाबू, इसको ऐसे ये रखना है, इसको किसके फील्ड के डायरेक्शन में, आ इसको करंट के डायरेक्शन में, ये वाला अंगूठा को है ना बाबू, मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, तो ये दोनों को रखो 90 डिग्री पे, 90 डिग्री फैलाना, तो तीसरा जो देगा क्या देगा, आपका फोर्स का डायरेक्शन देगा, तब कब, जब लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल यूज करोगे उल्टा हो जाएगा, राइट हैंड रूल यूज करोगे उल्टा हो जाएगा। तब मान लो बाबू ये करें, ये आपका बार मैग्नेट आधे हॉर्सू मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नीचे से ऊपर, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, फील्ड को ऊपर रखो है ना, फील्ड को क्या रखो ऊपर रखो, आ करंट मान लो इधर से घुस के इधर निकल रहा है, करंट मेरा भोला ऐसे निकल रहा है, संदेश समझना, करंट आपके साइड में जा रहा है, करंट किधर जा रहा है, आपके साइड में जा रहा है, तो करंट आपके साइड में जा रहा, फील्ड इधर और करंट आपके साइड में इधर, तो अंगूठा फैलाओ, अरे शैतान करंट यहाँ से इधर से एंट्री, मेरे साइड से एंट्री करके इधर नीब, नीब के साइड से क्या निकला, बाहर निकला है ना, बाहर निकला, किधर निकला, बाहर निकला, समझो संत, तो फील्ड नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, करंट ऐसे हो गया, अंगूठा ऑटोमेटिक किधर जाएगा, इधर जाएगा, मतलब इस कलम पे बाबू फोर्स किधर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा, इस कलम पे फोर्स किधर लगेगा, इधर अंदर की ओर, मैग्नेट के अंदर की ओर लगेगा, मैग्नेट के किधर लगेगा बाबू, अंदर की ओर लगेगा, ठीक। इसी को उलट दो, अभी करंट बाबू उधर से आ रहा है आपके साइड से आ रहा है, इधर से करंट इंट्री कर रहा है, तो कैसे रखेगा करंट, ये अंगुली को करंट का डायरेक्शन रखना, इसको करंट के डायरेक्शन में, आ इसको फील्ड के डायरेक्शन में, तो ऊपर फील्ड हो गया, इधर करंट हो गया है ना, ऐसे करो ना जी, ऊपर ही वाला फील्ड हो गया, ऊपर हो गया, नौ से सौ ऊपर फील्ड हो गया, करंट इधर घुस के इधर निकल रहा था, इसको क्या रखोगे करंट के डायरेक्शन रखोगे, ये वाला उंगलिया को, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला है ना, ये हो गया, तो फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की ओर, फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की ओर है ना, मतलब अरे इस पे फोर्स किधर लगेगा, बाहर की ओर लगेगा, तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। अब परपेंडिकुलर 90 या 90 का मतलब समझो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे बाबू, ऐसे ऐसे है ना जी, अभी बाहर का रख ले, ऐसे रख ले, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, करें है ना वो कंडक्टर का जो लेंथ है भोला, समझो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, नीचे से ऊपर की ओर है, अब बाहर ऐसे लिखा लग रखा है प्रधान, ऐसे तो कितना एंगल बन रहा है बाबू, फील्ड ऐसे, अब ये कंडक्टर ऐसे, आपने समझ में आता, ऐसे समझो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, अब बाहर ऐसे रखा है, तो बाहर का बाबू जो लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच कितना एंगल बन रहा, 90 डिग्री, 90 डिग्री भोला, अरे शैतान फील्ड ऊपर हो गया, आई लेंथ ऐसे है ना, ऐसे है, तो इसके बीच एंगल कितना बनेगा, फील्ड और इसके 90 बीच, तो उस केस में वो इस पे फोर्स, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक। अब ये कंडक्टर को भी ऐसे रख दो, अब फील्ड और नीचे से ऊपर है, कंडक्टर भी ऐसे है, इस केस में ऐसे, तो दोनों पैरेलल हो गया, तो उस केस में इस पे फोर्स 0 लगेगा, क्या होगा, फोर्स 0 लगेगा, तो यही सब क्या है, कॉन्सेप्ट है, यही सब क्या है, कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना बाबू, ये था फोर्स ऑन करंट करंट कंडक्टर, देखो यही आपको सेटअप में दिखाया गया है, यही सेटअप में दिखाया गया है, शैतान इसे पढ़ता नहीं है तब ना बाबू,
मैंने धर्मवीर को दावा नहीं ना दिया, इसीलिए लेटा था। कहाँ गया मेरा रिमोट जी? इसी एक्टिविटी को ये दिखाया गया इधर। क्या अनुसूत अंशुत गया जी? अनुज नो सर, ईशा बोली क्या कर रही जी? ईशा सो गई जी? ईशा तो इसी को एक्टिविटी के थ्रू नमस्कार। दिखाया गया है ना। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे, एसी फ्रीक्वेंसी के बारे में जान लेंगे, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी है ना भोला, और एनटीपीसी पावर प्लांट को घुमाइए दिए हैं। तो ये याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। एफ बराबर बी आई एल सेंटर जो फोर्स होता है वो है ना करंट पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, और उसके बीच के एंगल पे डिपेंड करता है ना, एंगल पे डिपेंड करता है भोला, और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू। हाँ गया इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ अब ये ना सुबह डाले हैं जी, डीसी मोटर, इलेक्ट्रिक मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, इलेक्ट्रिक बेल, फोर्स ऑन करंट कैरिंग। देखो यहाँ पे बड़का है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ पे छोटका है, ये सब एक्टिविटी करके दिखाना। So I have here a work magnet, South Pole North Pole. देखो का क्या गया, कैसे दिखा इसको कर सकते हो, कुछ नहीं करना, शांति से समझना, कुछ नहीं किया गया, एक सेटअप समझ लो, बाकी कुछ नहीं इसमें है ना, मन से पढ़ना जी। देखो क्या किया गया, ये आपका क्या हॉर्स शू मैग्नेट है, ये आपका हॉर्स शू मैग्नेट है सर। ठीक, नेक्स्ट बार। हाय रे शैतान, ऐसे कैसे हो रहा? जमा रोटेट करेंगे। देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बाबू, ये जो दिख रहा है भोला, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या हॉर्स शू मैग्नेट है। ठीक, अब इसमें हमको एक कंडक्टर चाहिए, तो उसी तरह से कॉपर वायर ले लो, इसके बीच में हैंग करवा दो, ये आपका स्टैंड है, सारा चीज हम लोग के पास है ना, ये आपका स्टैंड हो गया, ये बाबू करंट देने के, अब ये आपका क्या हो गया, इलिमिनेटर हो गया, बैटरी इलिमिनेटर, मतलब आपको डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। स्टेपलाइजर कैसे होता है जी, है ना, उसी तरह से ये वोल्टेज डीसी वोल्टेज अप्लाई है ना सप्लाई करेगा। यहाँ पे दो गो नॉब है, एगो नीचे इधर एगो इधर है ना, तो यहाँ से दो गो क्या करेगा बाबू, आपको बैटरी कनेक्ट करेगा। दो गो जो नॉब है भोला, इसमें दो गो नॉब यहाँ पे वही दिख रहा है, दो गो बैटरी, ये दो गो क्या करो, ये कनेक्ट करो, तार कनेक्ट करो, तार को बाबू इस आपका ये जो नॉब है वो इससे कनेक्ट करो, एगो इससे कनेक्ट करो, और यहाँ पे वो वायर लटका दो, क्या करो वायर लटका दो, ठीक है ना, तो वही किया गया है ना, वही किया गया है ना, दिख रहा है क्लियर बाबू? देखो यही आपका क्या, ये हॉर्स शू मैग्नेट हो गया। अब इसी के अंदर क्या रखेगा, वायर रखे, वायर ऑलरेडी रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा है ना, दिख रहा होगा, तो इसके बीच में वायर ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है ना, देखो जूम करके दिखाएगा, जूम करो, जूम करो जी। ठीक, देखो बाबू ये आपको वायर है बाबू, ये कोई भी कतार ले लो, कॉपर वायर वगैरह, इसको इलिमिनेटर से, बैटरी इलिमिनेटर से कनेक्ट करो, समझते चलना जी, जल्दी करो ना जी, क्या इतना कर रहा है। ठीक है, ये पूरा सेटअप तैयार किया है, देखो दिख रहा है जब कॉपर वायर जी बीच में दिख रहा है वायर बाबू, अरे शैतानी वाला वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा प्रधान, ऐसे तो नहीं दिख रहा जी धर्मवीर, ये आपका यस क्या हो गया, सर, हाँ ये हो गया हॉर्स शू मैग्नेट, एक अंदर बीच में वायर रख दिया, यहाँ से दो डंट, यहाँ से दो वायर ऊपर कनेक्ट किया गया, कहा है सर, अरे शैतान इसमें से करंट आएगा, इसमें से करंट आएगा, और इधर क्या करेगा, इसमें से करंट आएगा, ऐसे आपका जो रड है कॉपर वायर है इसमें फ्लो होगा,
जैसे ही फ्लो होगा बाबू, है ना, जैसे ही फ्लो होगा इधर से इधर, तो एगो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, इसके कारण, यहाँ पे समझो एगो मैग्नेटिक फील्ड इस हॉर्सू मैग्नेट के कारण, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, हॉर्सू मैग्नेट ऊपर नॉर्थ पोल लिखा है, साथ ही समझो इसमें नहीं समझ में आएगा तो जिंदगी में कभी नहीं समझ में आएगा। अनुज वीडियो ऑन करो, ऊपर नॉर्थ पोल है नीचे साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, ऊपर से नीचे, ठीक, करंट इसमें कैसे फ्लो कराएगा, मान लो वायर ऐसे रख लेते, या तो करंट बाहर की ओर निकलेगा चाहे अंदर की ओर जाएगा, अरे मेरे लाल, दो डायरेक्शन होगा ना जी, करंट या तो बाबू बाहर की ओर होगा चाहे क्या होगा अंदर की ओर होगा, मान लो करंट बाहर की ओर आ रहा है, ऐसे करंट ऐसे आ रहा है, ठीक, बाहर की ओर ऐसे बाहर निकल रहा है ना, अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऊपर से नीचे है ना बाबू, ठीक, तो बताओ फोर्स किधर लगेगा, अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा, मैग्नेटिक ये हो गया करंट का डायरेक्शन, ये हो गया आपका करंट का, किधर लगेगा प्रधान बताओ बाबू, बाहर किधर मूव करेगा जी, लगा जी फ्लेमिंग, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा, जल्दी लगा जी, फोटो देखो लगा बाबू, बाहर किधर जाएगा, लगाओ ना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जी, और जूम करे जी, जल्दी लगा बाबू, लो शैतान जूम कर देते हैं, अब बताओ लो, अब दिखा जी, अब बताओ किधर लगेगा फोर्स, फोर्स किधर लगेगा अंदर बाबू, जाएगा सर। किधर लगा प्रधान, एगो तो अंदर बोला जी, उसी का बोला नहीं, देखा देखी कर, करंट कैसे निकल रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, आइए मैग्नेट है, करंट बाहर निकल रहा है, ये मैग्नेट है, तो ये जो बाहर वाला बाबू अंदर जाएगा कि ऐसे जाएगा, किधर बाहर भागेगा, जल्दी लगा प्रधान, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा बाबू, धर्मवीर जल्दी लगा जी, अरे जल्दी करो ना जी, ज्योति को तो ढूंढ देंगे, किधर जाएगा संजना, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा, ये संजना किधर जाएगा बोलिए, नहीं लग रहा धर्मवीर, हाँ हाथ किधर रखे पता ही नहीं लग रहा। हाथ भी नहीं पता चल रहा है जी, हाथ करता है जी, फील्ड फील्ड ऊपर से नीचे, तो इसको कहाँ, तो ये बोलना चाहिए ना, इसको रखो फील्ड का डायरेक्शन में, शैतान इतना दिन से इसको फ्लेम, तो फील्ड कहाँ जाएगा, नॉर्थ से साउथ निकलेगा तो नीचे की ओर फील्ड होगा, ठीक, ऊपर से नीचे हो गया, करंट देखो इसको रखो करंट के डायरेक्शन में, इसको कहाँ रखो, ये वाला अंगूठिया को करंट के डायरेक्शन में, इसको नहीं रखना अंगूठा को, नहीं रखना अंगूठा को, नहीं अंगूठा ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक, अंगूठा आपका क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना, अंगूठा को कहीं रखना उखना नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो ये हो गया फील्ड का डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ नीचे की ओर, है ना, अब देखो अब यहाँ पे बाबू ये जो बाहर है बाबू, या बाहर अंदर से बाहर आ रहा है, मान लो अंदर से बाहर आ रहा है, बाहर क्या आ रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है, तो फील्ड ऐसे है, देखो फील्ड ऐसे रखो और कर, यहाँ बाहर पे ऐसे है ना जी, अभी ना शैतान को समझाए बाबू, ऐसे सेटअप है, सेटअप कैसे है, ऐसे है, ऊपर वाला नॉर्थ पोल है और नीचे वाला साउथ पोल है, ऐसे करंट वो आ रहा है, इधर से निकल के इधर आ रहा है, तो यहाँ पे बैरवा थोड़ा तिरछा करके बताएगा, नहीं तिरछा करेगा तो कैसे दिखाई देगा आपको, तो ऐसे करके आ रहा है करंट वो, अब ऐसे करके आ रहा था, ये मेरे साइड से घुस के आपके साइड से निकल रहा है, तो अब बताओ ऊपर वाला नॉर्थ पोल नीचे वाला साउथ पोल, अब बताओ यहाँ पे नहीं पता चल रहा जी, ना पता चल रहा जी, एकदम शैतान है, हे देवा हो देवा, नहीं पता चल रहा धर्मवीर, अरे हाँ नहीं तो बोलो ना जी, हाँ नहीं तो नहीं सर तो समझाएंगे फिर, नहीं सर। बोलने में क्या सर शर्म लगता है, देखो शैतान, समझो देख रहा जी, अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे आपके तरफ पॉइंट है जी, करंट वाला इधर से घुस के आपके साइड में निकल रहा, ठीक है ना, तो ये बताओ कि इस पे ई वायर पे फोर्स, ये जो आपका कॉपर वायर है, मान लो ये पेन है जो कॉपर वायर है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, यही बताना है, छोड़ो प्रोजेक्टर बंद करो, मैंने ये आपको हो गया ना, थोड़ा सा इसमें बता देते, उसके बाद आपको इसको बंद कर देते, तो यही पे बाबू देखो अब ये क्या होगा, जैसे इसमें करंट फ्लो होगा, ये कॉपर वायर क्या होगा, हिलेगा डूलेगा, जैसे इसमें करंट फ्लो होगा बाबू, बैटरी से कनेक्ट करेगा, हमको ये सब थोड़ा वीडियो दिखा देते, उसके बाद आपको देखते रहना, समझा देंगे,
है ना, ठीक है, जैसे स्विच ऑन करेगा ये आपका क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया, ये निगेटिव बैटरी का निगेटिव टर्मिनल हो गया, उधर पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर क्या है कॉपर वायर है ना, ठीक। अब देखो जैसे इधर स्विच ऑन करेगा ये वायर अपने क्या होगा, अंदर चाहे बाहर जाएगा, है ना, वो वही वही आपको डायरेक्शन इसमें पढ़ना है, स्विच ऑन करेगा वायर अंदर चाहे बाहर जाएगा, इधर से देखो ये वाला स्विच है, ये ऑन ऑफ करने वाला क्या है स्विच है, ठीक। देखो जी स्विच को क्या कर, अभी बंद है ना, देखना शांति से ऑन करो जी स्विच, जी देखो स्विच ऑन कर रहा, अंदर की ओर गया ना जी, स्विच ऑन किया, यहाँ से स्विच ऑन किया, ये वाला आपका स्विच है, ये क्या है बोला स्विच है, इधर से ऑन करेगा तो ये अंदर जा रहा है, तो यही आपको डायरेक्शन निकालना है ना बाबू, कि क्यों अंदर जा रहा है कस, इसलिए अंदर जा रहा है बाबू कि एगो नॉर्थ के नॉर्थ साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक हो गया, आ एगो करंट कैरिंग कंडक्टर ये भी मैग्नेट हो गया, तो दो को मैग्नेट पास में रखोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहे रिपल्सन लगेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे लगेगा, तो वही हम लोग ले है ना फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल निकालते हैं, लेफ्ट हैंड रूल निकालें है ना, तो पहले ये सीखो अंदर ये जा रहा है ना, कैसे जाएगा फिर से एक बार बताते हैं, अभी स्विच देखो फिर से देखो स्लो मोशन दिखाते हैं, थोड़ा पीछे करते हैं, देखो यहाँ पे स्विच बेचारा ऑन करेगा, इतना अच्छा से मेहनत तो किया गया, देखो ऑन किया वायर अंदर गया, क्या हो गया वायर अंदर गया है ना, मैग्नेट के अंदर गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू अब इसका क्या करेगा, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर, देखो अंदर जा रहा है, इधर से स्विच ऑन कर रहा है तो क्या हो रहा ये हो रहा, अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देगा बाबू, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देगा तब भी क्या आएगा बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा है ना, ठीक। ये आपको बता रहा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ना, देखो कैसे करोगे, अंगूठी वाला जो अंगूठी है फोर फिंगर ऊपर से नीचे रखा गया है, करंट क्या यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो ये वाला उंगलिया बाहर है बाबू, ये वाला मिडिल फिंगर बाहर है, तो अंगूठा किधर की ओर डायरेक्शन होगा, अंगूठा ऑटोमेटिक क्या जाएगा आपको इधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा है ना, इस डायरेक्शन में जाएगा है ना, तो वही यहाँ पे करके आपको बताया गया, ठीक। देखो उधर जा रहा है, इधर स्विच ऑन कर रहा है तो उधर जा रहा है ना, नेक्स्ट बाबू अगर करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा तो ये क्या देखो उधर जा रहा है ना जी, अंगूठा भी निकालोगे तो उधर ही जाएगा, न समझ में आ रहा धर्मवीर, आ गया सर, है ना, अब करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, या ये इसको रिवर्स कर दो, इसी को रिवर्स कर दो, बाकी रहने दो, अभी क्या कर दिया गया, देखो इसको रिवर्स करो, मैग्नेट को उलट दो, मैग्नेट को उलट दो, मैग्नेट अभी उलट गया, नीचे से ऊपर कर दिया गया, अब सोचो किधर जाएगा, मैग्नेट नीचे से ऊपर कर दिया गया, सोचो जी, सोचो प्रधान बाबू, प्रधान जल्दी सोचो जी, मैग्नेट नीचे से ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की ओर हो जाएगा, तो ये वाला उंगलिया फील्ड के डायरेक्शन में, करंट वा ये करंट वा, तो बाहर में करंट कैसे जा रहा है बाबू, है ना, यहाँ अंदर से बाहर निकल रहा है, बाहर में करंट इधर से इधर की ओर हो रहा है, बाहर की ओर हो रहा है, तो करंट इधर रखो, ये ऐसे करो ऐसे करो, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे, नीचे से क्या ऊपर, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, अब करंट वा बाहर की ओर निकल रहा है ना, तो ऑटोमेटिक ये वाला उंगलिया आपका क्या दे देगा है ना, फोर्स का डायरेक्शन दे देगा है ना, तो देखो अभी का क्या होगा, उलट दिया ना तो अभी बाहर की ओर फेंकेगा, जैसे बैटरी ऑन करेगा तो किधर जाएगा बाहर की ओर जाएगा वायर, देखो ध्यान से देखना जी किधर जाएगा बाहर की ओर जाएगा, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा जी गुड मॉर्निंग, अभी आपका टाइम नहीं हुआ, देखो वो जल्दी 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 जी देखो बाहर की ओर आया ना बाबू, ऑन किया तो बाहर की ओर आया, देखो एक बार आप थोड़ा सा दिखाते हैं, देखो ऑन कर रहा संदेश, देखो यहाँ पे स्विच ऑन कर, अभी ऑन नहीं है, अभी ऑन कर रहा है, यहाँ पे हाथ देखो तो क्या होगा, ऑन किया देखो बाहर की ओर आया है ना, तो यही क्या होता है इफेक्ट होता है, ऐसा क्यों हिल डोल रहा है सर, इसलिए हिल डोल रहा है कि दो दो को मैग्नेट है, एगो करंट के कारण मैग्नेट है, एगो क्या है देखो है ना, एगो करंट का कारण मैग्नेट है, एगो किसके कारण मैग्नेटिक हॉर्स मैग्नेट के कारण है ना, ठीक, तो यही आपका क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक। यहाँ से तो आप इसका डायरेक्शन एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए, डायरेक्शन में कोई कमी नहीं होना चाहिए, यहाँ से निकालो जी, बताओ जी अगर ऐसे है बताओ तो प्रधान,
ऐसे सिस्टम रखल है, ये बायर है, ये जिधर टिप है उधर करंट निकलेगा, बताओ किधर होगा, कलम किधर जाएगा जी, बताओ प्रधान, कलम किधर जाएगा प्रधान, नहीं बोलता जी, ये बोला प्रधान, कलम किधर जाएगा, अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा जी, प्रधान इसको साफ सुन गया का जी, बोलो ना शैतानो नमन, साफ सुन गया प्रधान, बोलो नमन, कलम किधर जाएगा जी, ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल, करंट इधर से इधर जा रहा है, लगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लगा धर्मवीर किधर जाएगा जी, लगा रहा हूँ उसको लगाओ जल्दी, बाहर। किधर जाएगा जी लब बाबू, सर नॉर्थ और साउथ दीजिएगा ना सर। अरे नॉर्थ रेड वाला नहीं दिख रहा है कि रेड है, रेड वाला ऊपर नॉर्थ है, ये वाला साउथ है, ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है, लो दिखा कृष्ण जी, अंदर की ओर जाएगा। एगो अंदर बोला एगो बाहर बोला, दुई एगो तो है ही है जी, बोलो शुभ, बोलो निको, कहा अंदर जाएगा सर। धर्मवीर, नहीं दिक्कत हो रहा जी, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, तो करंट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, करंट वा कैसे सर, ये टिप्पा वाला कलमा का टिप्पा वाला करंट का डायरेक्शन मानो, तो इधर टिप है तो इधर करंट जा रहा है, तो मान लो अगर ऐसे रखा है तो करंट वा इधर आ रहा है, तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया है ना जी, अरे शैतान, ये वाला अंगुलिया को ऊपर से नीचे रखो ना जी, और ये वाला करंट का डायरेक्ट, तो करंट वा इधर से घुस के इधर निकल रहा था, इधर करंट हो गया, ऐसे हो गया, तो ऑटोमेटिक थम क्या देगा डायरेक्शन, अंदर की ओर जाएगा, इसको इस मोशन में देखो, वैसे नहीं सर, हाँ बाबू डिस्चार्ज हो गया जी, बोला मोबाइल डिस्चार्ज हो गया बाबू, समझा कि नहीं समझा बाबू धर्मवीर, यस सर। हाँ तभी पूछेंगे, ठीक है बोला जाइए, बाकी जाउन कर रहे हैं, ठीक है जाओ आप लोग जी।